सीमा हैदर ने फिर रचाई शादी दुल्हन अवतार में देखकर सचिन ही नहीं सोशल मीडिया भी दीवाना हो गया है। ऑनलाइन गेम पर पबजी खेलते खेलते हिंदुस्तानी शख्स सचिन मीरा से प्यार में पड़ने वाली सीमा हैदर आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। वह इंटरनेट पर छाए रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है, फिर वह चाहे अपने बयानों को लेकर हो या फिर अपने डांस को लेकर। सीमा हैदर सचिन के साथ आए दिन कुछ न कुछ करती रहती है, जिससे वो चर्चा में बनी रहती है। हाल ही में उन्होंने सचिन के साथ अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, तो सोशल मीडिया पर उनके फोटोज वीडियो वायरल हो गए। पहले से शादीशुदा और चार अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते होते उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबपुरा निवासी सचिन के घर आ गए। वह अपने बच्चों को लेकर आई थी। सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने की बात खुलने पर सीमा खूब चर्चाओं में रही। कई लोग तो उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की बात करते रहे, लेकिन सीमा हैदर का कहना था कि वो सचिन से सच्चा इक्स करती हैं, वह कहीं नहीं जाएंगी। बता दें कि भारत आने के बाद सीमा हैदर पूरी तरीके से सनातनी हो गई और वह सचिन के नाम का एक सिंदूर मंगलसूत्र पहनती, बल्कि उनके नाम का सिंदूर भी अपने मांग में भरती। दोनों सोशल मीडिया पर छाए रहते। सीमा ने दावा किया कि 12 मार्च 2023 को इन दोनों ने नेपाल में शादी की थी। बाद बीते 12 मार्च को उन्होंने अपनी पहली एनिवर्सरी हिंदू रीति रिवाज से शादी करके एक दूसरे को वरमाला पहनाई। जानकारी के अनुसार सचिन और सीमा की शादी की पहली सालगिरह मंगलवार को रबपुरा में शानदार तरीके से मनाई गई। इन दोनों के लिए मंडप सजा। सीमा हैदर लाल जोड़े से जब मंडप पर पहुंची तो सचिन उन्हें देखकर उन पर फिदा हो गए। इस दौरान सचिन ने ग्रे कलर का कोट पैंट पहन रखा था, वह बिल्कुल हिंदुस्तानी दामाद की तरह। आयोजन देखने पर लग रहा कि उनकी एनिवर्सरी, ऐसा लग रहा कि मानो वाकई में किसी की शादी हो। जैसे ही सीमा हैदर स्टेज के पास पहुंची, सचिन हाथ पकड़ कर उन्हें स्टेज पर चलाया, फिर दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई। इस दौरान सीमा हैदर ने सचिन के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। वरमाला की रस्म के बाद इस जोड़े की शादी की बाकी रस्में पूरी की गई। इस दौरान सीमा हैदर और सचिन बेहद खुश नजर आ रहे। शादी के समय भारतीय रीति रिवाज को देखकर सीमा हैदर बहुत खुश है और काफ़ी तारीफ भी की। इस दौरान सीमा हैदर के वकील एपी सिंह भी शामिल थे। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर बस नौटंकी करती? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।